स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है और देश के हर निवासी को सस्ती, सुगम और उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिले, यही उद्देश्य है हमारे दूरदर्शी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। केंद्र का प्रयास है कि गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज, उस पर खर्च कम से कम हो, ये इलाज भी बेहतर मिले और इसके लिए उसको दूर तक जाना भी न पड़े। देश के सुदूर इलाकों तक जन जन को मुफ्त उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए शुरू की गई कई योजनाएं, जैसे आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम अभीम जन औषधि केंद्र, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, कोरोना महामारी का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया। देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 648 हो गई है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा देशवासियों को समर्पित किया जा रहा है एम्स नागपुर, जिसका शिलान्यास अप्रैल 2017 में और सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फॉर हीमोग्लोबिनोपैथीज, जिसका शिलान्यास फरवरी 2019 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ही किया गया था, आज ये निर्धारित समय सीमा में देशवासियों को अपनी उत्कृष्ट सेवा देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। 150 एकड़ में फैले एम्स नागपुर का निर्माण 1,577 करोड़ रुपए की लागत से हुआ और इस समय 18 स्पेशलिटी सेवाएं और 14 सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के साथ साथ एम्स नागपुर में आधुनिकतम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 एकड़ में फैले सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट हीमोग्लोबिनोपैथीज के क्षेत्र में शोध, नियंत्रण, उत्तम मानव संसाधन और जांच के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा और इसी के साथ ही देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भविष्य में उभरने वाली चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ नागपुर का भी शिलान्यास आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। ये केंद्र मौजूदा और भविष्य में आने वाले रोगों के लिए निगरानी और अनुसंधान क्षमता का निर्माण करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत के विजन को साकार करने की दिशा में उठाए गए ये कदम स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे।